मोहिनी अक्सर मुझसे पूछती है, एमडी तुम इस बार छुट्टी कब ले रहे हो? और मैं अक्सर जवाब देता हूं, अगले हफ्ते। अगला हफ्ता बहुत जल्दी आ जाता है। इस बीच मोहिनी तय करती है कि छुट्टियों में जाना कहाँ है, और मैं बिना कोई सवाल किए छोटे बच्चे की तरह तैयार हो जाता हूँ मोहिनी के साथ चलने के लिए। खुद को एमडी जोरू का गुलाम कहते हुए मुझे बड़ा मजा आता है। ये वाकया 1995 का है जिसे मैं शुरू से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहिनी को पहाड़ अच्छे लगते हैं और मुझे पहाड़ों के रास्ते। मोहिनी को पहाड़ी चोटियों से झांकती चट्टानें लुभाती हैं और मुझे उन पर झुका आसमान। मोहिनी आंखों ही आंखों में दरख्तों की ऊंचाइयां नापती है और मैं घाटियों की गहराइयां। मोहिनी उड़ते हुए बादलों को उछलकर छूना चाहती है और मैं ना थमने वाली हवा से बादलों को थोड़ा नीचे लाने की सिफारिश करता हूँ। सच बात तो ये है, जो मोहिनी को अच्छा लगता है भाई मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। पर मोहिनी को हर रोज सुबह की सैर बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बेहद पसंद। मुझे अच्छी तरह याद है, शहर में गर्मी बढ़ने लगी थी और छुट्टियों की बेचैनी भी। तब समुद्र की गहराई से 4,500 फुट ऊंचे डलहौजी के पहाड़ों की खुली हवा में जाने का इरादा था। आसमान पहाड़ियों के काफी करीब आ रहा था और हम घर से काफी दूर एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। पहली सुबह की बात है, मोहिनी उठ चुकी थी पर सुबह की सैर पर जाने के बजाय गरम गरम चाय पीने के मूड में थी और मैं सुबह की सैर से वापस लौट रहा था। शहर की उमस से अलग मौसम काफी खुशगवार था कि अचानक मेरी नजर नीले स्कार्फ वाली उस पहाड़ी लड़की पर गई जो अपने नजदीक पहाड़ की एक खतरनाक चोटी से किसी भी पल मौत की खाई में लुढ़कने को तैयार एक प्रेम से बेखबर अपने ख्यालों में कहीं डूबी थी। नजदीक जाकर मैंने देखा उस प्रेम में जिंदगी और मौत के खौफ से अनजान एक नन्हा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा मुस्कुरा रहा था। मैं मोहनदास BLLB। आप? आपका नाम? ओह देखिए जरा इन्हें, पता ही नहीं था कि सामने कितनी गहरी खाई है। बस ऊपर पेड़ों के झुरमुट से छन कर आ रही हवा और रोशनी से बातें कर रहे थे। आपकी कोई भी परेशानी इस बच्चे की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। प्रेम खड़ी करते वक्त ध्यान रखिए और किनारे पर कभी मत खड़ी कीजिएगा। मासूमियत खाई में गिरकर कितनी खौफनाक हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकती। अच्छा दोस्त, बाय। सुनिए, आपने नीला ब्लाउज वाली किसी लड़की को देखा है? साथ में एक प्रेम था, प्रेम में बच्चा। हाँ, इधर मोड़ की तरफ चले जाइए, आप वहां बैठे हैं उसको। ओके, ओ थैंक यू। सुच्चा गुलाब है यहाँ महाराज। चाय? बड़े सुबह सुबह निकल जाते हैं आप तो। भाई वाह। वैसे सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है साहब जी, माँ कहती थी।
हमेशा सुबह मतलब आपको जाना चाहिए सैर करने के लिए, है ना साहब जी? ये लीजिए आपकी चाय, लीजिए लीजिए। वैसे ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए महाराज, कि वो सेहत के लिए बहुत ख़राब होती है, माँ कहती थी। मतलब जल्दी पी लीजिए, अगर ठंडी हो गई तो मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आता साहब जी वो, पर बड़े लोग ज़्यादा चाय पीते ही हैं। वैसे तुम्हारी माँ बरखुर्दा तुम्हें किसी नाम से भी बुलाती होगी, है ना? जी अमरू। अमरू कहाँ के रहने वाले हो? जी पास ही में गांव है जी। अच्छा तो माँ भी वहीं रहती है? जी नहीं महाराज। तो भाई कौन कहता है? जी वो है कोई जी, मैं बहुत बोलता हूँ, कतरनी की तरह चलती है मेरी जबान, वो कहती है। वो कहती है? भाई ये वो कौन है जो कहती है? जी वो, आप अगर अगले जाड़े के मौसम में यहाँ पे आएंगे तो उन्हीं का हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगा मैं आपको जी। ओहो, तो शादी की तैयारियां बड़े जोरों से चल रही है। जी वो ठान लिए जी, मतलब शादी करूंगा तो उसी से, नहीं तो नहीं जी। लव मैरिज है? जी वो बहुत चाहती है मुझे, पर पिछले कुछ दिनों से वो मेरे से नाराज है जी, पर प्यार मोहब्बत में ये सब चलता है जी साहब जी। वो आप नाश्ता में क्या लेंगे? गोभी के पकौड़े बनाओ या आलू के पराठे बनाओ, आप जो भी कहेंगे मैं फटाफट बना के ले आऊंगा जी। तो मैं ऐसा करो, मेरे लिए तो तुम आलू के पराठे के ऊपर गोभी के पकौड़े रख के ले आना, और मोहिनी के लिए एक खीरा काट लेना, कुछ काला नमक डाल देना, और जरा सी एक नींबू निचोड़ देना, सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। जी नहीं, आज हम नाश्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, जहाँ आलू के पराठे के साथ गोभी के पकौड़े मैं खाऊंगी और आप खाएंगे खीरा नमक डाल के। भाई मैं तो जोरू का गुलाम हूँ, तो जो मेरी बीवी कहेंगी वो मुझे मानना ही पड़ेगा। वैसे अगले जाड़े तक तुम्हें भी पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। जनम है। जी महाराज, वैसे देख लीजिए हमने देसी घी मंगवा रखा है। अरे क्यों जले पे देसी घी छिड़क रहे हो भाई? वो चीजें रखी है वहाँ मैंने। जी बिल्कुल मैं रख लूंगा। कहाँ है मेरा और वो चश्मा रख लेना। हाँ भाई कहाँ नाश्ता करवा रही हैं आप? एक रेस्टोरेंट मैंने देखी है एमडी। अच्छा वहाँ जाएंगे। पर कटलेट जरूर खिलवा देना। अरे ले जा पहले चल। नहीं नहीं पैदल चलेंगे। ओके थोड़ा पास नहीं कौन जी? अमरू बड़ा अच्छा लड़का है ना? हाँ बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारी तरह? पर बोलता कुछ ज्यादा है। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या? ए चुना इधर आ, ना खड़ा होना, थोड़ा इधर सीधा खड़ा हो, मैं तो देख रहा हूँ। ये बताओ कि अपनी बीबी के साथ मजाक करना कोई बुरी बात है? नहीं है ना? है कि नहीं? तो जाओ फिर। सुनिए, आपने ब्लू टॉप वाली किसी लड़की को देखा है? साथ में एक बच्चा भी था प्रेम में। मनी मैं जरा एक अर्जेंट फोन करके आता हूँ, यहाँ अंदर तो फोन है नहीं, बाहर से करके आता हूँ, बस एक पांच मिनट में आता। फोन? आपने नीला ब्लाउज वाली किसी लड़की को देखा है? साथ में एक प्रेम था, प्रेम में बच्चा। ब्लू टॉप वाली लड़की बच्चे और प्रेम के साथ? हाँ हाँ हाँ। अरे मैंने देखा था उसे सुबह। कहाँ? वो बगली पहाड़ी से आगे जाके जो रेस्ट है वहीं पे। अरे वहाँ तो मैं भी गया था, वहाँ नहीं थी वो। अरे भाई साहब सुबह थी वहाँ। अच्छा हो सकता है, मैं फिर से चेक करता हूँ। मोहिनी, मोहिनी, ये खत्म कर दिया तुमने? अच्छा एक बात मैं तुम्हें सुबह बतानी भूल गया था। एक बड़ी अजीब बात हुई सुबह मेरे साथ, जब मैं जॉगिंग पे गया था तो वहां एक लड़की दिखी मुझे, जिसके साथ एक प्रेम था और प्रेम में एक बच्चा था।
इसमें अजीब सी बात क्या है? नहीं, मैंने तीन चीजें उस लड़की के बारे में ऑब्जर्व की। पहली ये कि वो लड़की उस बच्चे की माँ नहीं है। दूसरी ये कि वो लड़की जो कपड़े पहने हुए थी उन कपड़ों की आदि नहीं है। और तीसरी ये कि उसके आसपास एक अजीब सी मिस्ट्री थी, कुछ कुछ गड़बड़ थी, कुछ बात थी कहीं। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत ही खराब है और तुम हर चीज को शक की नजर से देखते हो। राइट। अब मैं तुम्हें बताती हूँ ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। वो लड़की देख रहे हो? हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो लड़की उस बच्चे की माँ नहीं है। जी। उसने जो कपड़े पहने हैं ना, वो कपड़े पहनने की आदि नहीं है। जी। I think it is brilliant observation. Thank you. वैसे मैं कुछ देर पहले इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। चलें? चलें, चलें। MD, शॉपिंग पे चलोगे? नहीं, तुम जानती हो मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी तुम्हारी छुट्टियां तुम्हारी हैं और मेरी छुट्टियां मेरी हैं। तुम शॉपिंग कर लो और मैं जरा कुछ सैर वैर कराऊंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लंच पे मिलोगे? हाँ, मिल सकते हैं लंच पे। तो तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। ओके ओके, चलो। नीले स्कार्फ और नीले ब्लाउज वाली वो लड़की जो अचानक गायब हो जाती थी, प्रेम में लेटे 4 महीने के बच्चे को खौफनाक पहाड़ियों के साए में लेकर घूमती रहती थी और उस बच्चे की तरफ देखने से भी डरती थी। सफेद घोड़े पर जिसे ढूंढता एक आदमी अक्सर नजर आता था। कल मिलने की बात थी, आज ही मिल गया है ना? सफेद घोड़े पे एक आदमी आपको सुबह से तलाश रहा है। बच्चे को हटाओ।
मेरे जहन में एक उलझी हुई कहानी के अलग अलग हिस्से बनते जा रहे थे और इस कहानी का एक अहम हिस्सा था ठंडी सड़क पर मौजूद वो मकान जिसमें अभी कुछ दिन पहले तक किसी न किसी के रहने की महक अब तक मौजूद थी। उस रात मैंने सोचा अमरू से उस मकान के बारे में पूछ लेता हूं। नहीं वैसे ये स्वेटर लाई तो तुम अच्छी हो लेकिन इसमें मैं थोड़ा मोटा नहीं लगता हूँ। अब जैसे हो वैसे ही दिखोगे ना। क्यों अमरू? ये क्या जवाब देगा? अरे तू अभी तो गया नहीं, जा कमीज पहन के दिखा दे। ये लो तुम्हारा रोल। हाँ। अरे अमरू जी, ये ठंडी सड़क वाले बंगले में कौन रहता है? ठंडी सड़क वाला बंगला, वहाँ पे तो कोई नहीं रहता जी, कोई नहीं। वहाँ 2 महीने पहले तो मालिक की गाड़ी गिर गई थी वहाँ पहाड़ के नीचे। कुदरत का खेल है जी, माँ बाप दोनों मर गए, 4 महीने का बच्चा बच गया। अरे वो भी तो गया नहीं कपड़े बदलने। महाराज जी ठंडी सड़क की तरफ आप ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। सुना है वहाँ पे एक आदमी सफेद घोड़े पे नजर आता है कभी कभी, कोई नहीं जाता वहाँ पे। महाराज जी ठंडी सड़क की तरफ बिल्कुल मत जाए। आपने नीला ब्लाउज पहने किसी लड़की को देखा है? साथ में एक प्रेम था, प्रेम में एक बच्चा। हिंदी, आज मुझे भी एक आदमी नजर आया सफेद घोड़े पे। हिंदी, हिंदी भूत दिन में तो नहीं निकलते ना? राइट। बीवी जी, बीवी जी बैठ जा, लीली की जान खतरे में है। जैक एक हफ्ते से लिली को ढूंढ रहा है पागलों की तरह। लिली का एक हफ्ते से कोई पता ही नहीं है। टोटो 3 बार उसकी जान पर हमला कर चुका है। हाँ। बीवी जी फल। अरे तो बैठ जा, पता नहीं बिचारी लिली का क्या होगा। अकेली लड़की, सुनसान लंबी सड़क, अंधेरी राह, कोई भी नहीं जानता कि टोटो उसे मारना क्यों चाहता है। बीवी जी कपड़े। अरे तू बैठता है कि नहीं? 4 ही पन्ने पड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। खतरे में है। टोटो लिली को मार पाएगा कि नहीं? मुझे क्या मालूम माजी। अरे तू अंदाजा तो लगा सकता है कि नहीं? देख
इस वक्त एक बात याद रख कि सारी सहानुभूति लिली के साथ है। ये फल ठीक है ना? अरे तू बैठ जा, यहाँ लिली की जान खतरे में और तुझे फलों की पड़ी है। अमरू, तुझे मैंने कहा था ना उस लड़की को फॉलो करने के लिए। अरे एमडी, लिली की जान खतरे में है। मैं फिर वहां गया जहां वो लड़की अक्सर बैठा करती थी, लेकिन इस बार वहां पर कोई नहीं था। कौन है ये लड़की और किसका है ये बच्चा? चंपा पहाड़न का ढाबा बिल्कुल उस ठंडी सड़क वाले मकान के नीचे पड़ता था। अमरू ने बताया कि चंपा पहाड़न इस इलाके की सबसे बड़ी जासूस है, यानी सब जानती है जो कुछ घटता है आसपास, और चाय भी सबसे अच्छी बनाती। मैंने सोचा ठंड के साथ साथ थोड़ा चाय और गपशप का मजा लिया जाए और शायद इस सफेद घोड़े वाले और उस प्रेम वाली लड़की का पता चले। इक्का दुक्का बार मैंने उस लड़की को चंपा पहाड़न के ढाबे के आसपास देखा जरूर था। ये ले, ये चाय साहब जी को दे, उसे आके तेल लेके आ। मेरा नाम मोहनदास बी एलएलबी है। तो आप? ए महाराज जी, मारे पहाड़ में औरत और मर्द के बीच नाम पूछने का रिवाज नहीं है। अगर वो मर्द पुलिस से ताल्लुक रखता हो तब भी नहीं बताओगी कि तुम्हारा नाम चंपा है? महाराज जी, तुमको मेरा नाम कैसे मालूम? अरे तुम वही हो ना जो अपनी वोटी के साथ पहाड़ पे घूमने को आए हो? हाँ? पूछो साहब जी, पूछो, क्या पूछना चाहते हो चंपा से? वही सब जो तुम जानती हो। किसके बारे में? चौधरी के बारे में, उस ठंडी सड़क वाले मकान के बारे में जिसके मालिक और मालकिन की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया गया था। तब तो साहब जी आप उस चार महीने के बच्चे के बारे में भी पूछना चाहोगे जिसकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं। क्यों? जानना तो चाहता हूँ। पूछो साहब। अरे पूरे पहाड़ पे चंपा ही अकेली है जिसे मरने से डर नहीं लगता। पूछो क्या पूछना चाहते हो चंपा से। वो मकान दिखाई दे रहा है तुम्हें? वो? अरे महाराज, उसे तो जब से पैदा हुई हूँ तभी से देख रही हूँ। बड़े चौधरी का था, सोनी घर वाली, छोटा प्यारा बच्चा, एक भाई भी है उसका। उससे पूछो साहब जी, तो उसके भाई ने ये मकान हथियाने के लिए बड़े चौधरी की गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए। सारे मर गए, बच्चा बच गया। अच्छा, ये एक आदमी सफेद घोड़े पर यहाँ घूमता रहता है, वो कौन है? मालूम नहीं साहब जी। कहीं चौधरी का छोटा भाई तो नहीं है? साहब जी मैंने देखा नहीं चौधरी के छोटे भाई। चलो ठीक है, और कुछ पूछना होगा तुमसे तो आ जाऊंगा यहाँ पे, ये तुम्हारी अच्छी वाली चाय पीने के लिए। हाँ साहब, ये तो सही कही तुमने, पूरे पहाड़ पे मशहूर है चंपा की चाय, आइए जरूर। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चंपा पहाड़न और उसका ढाबा याद आ गया, उसकी चाय याद आ गई। मैं चाय ये भी अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू। Thanks, man. चंपा पहाड़न से मिलकर छोटे चौधरी और बड़े चौधरी के बीच के झगड़े का तो पता चला, लेकिन सफेद घोड़े पर घूमने वाले आदमी का चौधरियों से क्या ताल्लुक है, इसका कोई सुराग अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा था। इसी बीच एक रात उस नीले स्काफ वाली लड़की से अमरू को बात करता देख
मैं चौंक उठा। ये बच्चा किसका है? है किसी का। और मेरा? वो तो मेरे अंदर है। चल साहब जी से मिला देता हूँ। चल मैं ना जाऊंगी। फिर कब मिलेगी? पता नहीं। ये हो क्या गया है तुझे? बात कर रहा हूँ तेरे से, वहां क्या देख रही है? किसके लिए काम कर रही है तू? अब जब से बच्चा है मतलब दिमाग खराब हो गया। अरे बता रही किसके लिए काम कर रही है तू? जा रही फिर बताऊंगी। जा रही हूँ फिर बताऊंगी। जा जा जा। अंधेरा जैसे कोई जाल बुन रहा था, रात जैसे किसी गुनाह को अंजाम देने की साजिश रच रही थी, लुका छिपी का एक अजीब सा खेल चल रहा था। दिन में नजर आने वाले चेहरों के पीछे कोई और चेहरा था जो अंधेरे में था। उसी अंधेरे में मुझे अचानक लालटेन लिए बैठा एक और शख्स नजर आया जो किसी का इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम और इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? कर रहा था यहाँ इतनी रात के? मैं कुछ लाल, मेरी बेटी। अच्छा, ये वही लड़की जो नीला सा ब्लाउज पहने घूमती रहती है यहाँ वहाँ? जी हाँ महाराज, सब कहते हैं अक्सर यही घूमती रहती है। आपने देखा उसे महाराज, एक बच्चा भी रहता है साथ में। अच्छा तो तुम्हारी बेटी है, उसी को ढूंढने के लिए इतनी रात गए तुम यहाँ आए? महाराज आप कौन है? मेरा नाम मोहनदास बी LLB है, समझ लो पुलिस से ताल्लुक रखता हूँ। जय हो महाराज की। देखो तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ मुझे बता दो, मुझ पर भरोसा करो। महाराज 5 दिन बाद आज शाम को छोकरी वापस घर आई और आते ही कपड़े बदले और सीधे चली गई अम्रू के पास बच्चे को साथ ले करके। महाराज उसके बहुत देर तक ही लौटी तो मैं गया अम्रू के पास, तो वो बोला कि यहाँ छोकरी आई तो थी लेकिन कुछ देर बाद चली गई। महाराज बहुत आग बबूला हो रहा था अमरू, कह रहा था पता नहीं किसका पाप ये घूम रही छोकरी। अब आप ही बताओ, अच्छी खासी शादी तय हो गई थी महाराज, भगवान जाने अब क्या होगा उसका। ये अमरू वही है ना जो गेस्ट हाउस में काम करता है? जी महाराज जी। उसके बाद क्या हुआ? महाराज थक हार के मैं घर वापस आया तो एक चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था कि अगर बेटी की जान बचानी है तो नीले कपड़े लेकर के रात को 11 बजे ठंडी सड़क पर मिलो। ये बच्चा किसका है? पता नहीं महाराज, एक हफ्ते से छाती चिपकाए घूमती है,
कहती है कि मैंने नौकरी कर ली है, बहुत सारे पैसे लेके आई है महाराज, नए कपड़े भी लेके आई है, कहती है अब मैं नौकरी करूंगी। कैसी नौकरी महाराज? पता नहीं, लेकिन हमारी 7 पुश्तों में किसी ने भी 50,000 रुपए नहीं देखे महाराज। 4-5 दिन के काम के 50,000 रुपए महाराज? शुरू शुरू में तो हमको भी शक हुआ था, लेकिन उसके बाद लालच आ गया महाराज। पैसे के कारण छोकरी की शादी नहीं हो पा रही थी, हमको लगा कि पैसे आ जाएंगे, छोकरी की शादी हो जाएगी और घर बस जाएगा उसका। महाराज तुम घबराओ मत, वापस अपनी जगह पर जाओ, जैसा वो कहता है वैसा करो, मैं हूं तुम्हारे आसपास, तुम जैसे उसके साथ जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल। सच महाराज? हाँ चलो निकलो तुम। कपड़ा ले आए? जी महाराज। चलो मेरे साथ, लालटेन वहीं रखो। छैंगाराम कपड़ा ले लो, बसंती को दे दो और कुंजलाल को कोठी में ले जाओ। बसंती, आज सुबह का सूरज निकलने से पहले तुम्हें इस बच्चे को कब्रिस्तान की सीढ़ियों से धक्का देना होगा। पर चौधरी साहब, जो मुझसे इतने दिनों में नहीं हो पाया वो मैं आज कैसे करूंगी? अगर तुम आज ये ना कर पाई तो तुम्हारे पिताजी को मार दिया जाएगा। अब तुम जा सकती हो। फिर ये लोग सायों की तरह इस पहाड़ी रात में कहीं गायब हो गए। अमरू को यह पता नहीं था कि नीलेस्काफ वाली लड़की किसके इशारों पर नाच रही है। नीलेस्काफ वाली लड़की के बाप को यह पता नहीं था कि उसकी बेटी के पास अचानक 50,000 रुपए कहां से आए और वो 2 दिन से कहां गायब है। ऐसे में मुझे एक बार फिर चंपा पहाड़न की याद आई। डलहौजी की खामोशी एक सवाल बन गई थी। ये छैंगाराम कौन है और इस कहानी में अचानक कहां से आ गए? बहुत से उलझे हुए सवालों को सुलझाने में चंपा पहाड़न ने मेरी मदद की और इस रात के अंधेरे में मुझे रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई दी।
मेरे अमरू, माफ करना तुमसे शादी हो सके इसीलिए ये सब किया, पर बच्चे की जान ले सकना मेरे बस में नहीं था, ना ही मैं अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते देख सकती थी, और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए खुद को खत्म कर रही हूं। लेकिन बच्चा कहाँ है? क्या जाके प्रेम को धक्का दे दे? नहीं चौधरी साहब, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे पता है मैंने शपथ ली हुई है, मैं नहीं कर सकता। चौधरी साहब, आपके कहने पे मैंने मालिक मालकिन की कार के ब्रेक निकाल दिए, कार को धक्का दे दिया, इस लड़की को मनाया महाराज कि अपने हाथों से उस बच्चे का गला घोंट दे, पर अब मैं अपने ही हाथों से उस बच्चे को नहीं मार सकता। पैदा होते ही उसकी माँ ने मेरी गोद में दिया था। आपके कहने पे मैं चौधरी तो बन गया, पर ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें? ओ जी ना मिले। क्या दफा आ गया चंगाराम? देखिए मुड़ के फिर से, लेकिन ये बच्चा प्यारा मेरे पास है। देखो छोटे चौधरी को जेल हो गई, शायद गर्मियों की वो छुट्टियां पहाड़ों के नहीं, मासूमियत की मौत के प्यासे छोटे चौधरी की गिरफ्तारी के नाम लिखी थी, पर चंपा पहाड़न का पहाड़ जैसा हौसला और छेंगाराम जैसे खौफजदा इंसान का मासूमियत के कत्ल से इनकार इस कहानी को हमेशा याद रखने का जरिया बन गया। अपने नन्हे दोस्त के साथ दोस्ती की शुरुआत डलहौजी की छुट्टियों का सबसे शानदार तोहफा थी। बसंती, शादी के बाद इसे एकदम सीधा करके रखना जैसे मैं रखती हूँ। देखना एमडी, सब कुछ हो गया? हो गया। दूदू पिया दवाई? हाँ, हाँ, कुछ मीठा तो नहीं खाया? हाँ भाई, कुछ मीठा तो नहीं खाया? नहीं। सुसु किया? एमडी, तुमने सुसु किया? हाँ 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 हाँ, किया किया किया। देख यार, हमने सुसु तो किया नहीं, लेकिन उनसे कह दिया तू भी बड़े होके ऐसे करना, छोटी मोटी बातों में मान बन जाया करना, है ना?